सो गाइस, आज हम उपस्थित हुए हैं शहीद भगत दिवस मनाने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 23 मार्च है। आज के दिन शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। देश आजाद है कि नहीं है? आजाद क्यों? क्योंकि हमें बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं? हमने इतना तेज चिल्लाया, अगर गुलाम होते तो ऐसा हो पाता? रैली हो पाती? गुलाम कहाँ पे है अपन? क्या पूरे आजाद है? पूरे आजाद हैं हम? क्या बेड़िया है? अस्करियां तो नहीं लगी है? आजाद क्यों नहीं है? चलिए, सारी चीजों का आंसर मिलेगा। पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम समीर शुक्ला है, मैं ग्रीन एनवायरनमेंट सोसाइटी रीवा का अध्यक्ष हूँ और ये मेरी टीम बैठी हुई है। एक बार इनके लिए क्लैप हो जाए। ये गत 6 वर्षों से रजिस्टर्ड, ये यूथ को अवेयर करना, प्लांटेशन करना, महिला सशक्तिकरण करना और जो भी हमारे 6 पॉइंट्स हैं जिसमें हम सामाजिक हित करते हैं, करते आ रहे हैं लगभग 6 वर्ष से रजिस्टर्ड। और मेरा नाम गुंजेश्वर सोनी है, मैं मॉडल साइंस कॉलेज का छात्र हूँ और मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता हूँ। सर, आपसे ये निवेदन है कि हमारे जो भाई और बंधुओं हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, वो साल साल से मेहनत करते करते थक गए हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है? और हम इसका निष्पक्ष जांच मांग करते हैं कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो और जिन भाई बहनों की उम्र निकलती जा रही है उनका क्या होगा। यही हम आपसे विनती करते हैं कि हम पर विनती करें और हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शहीद आजम भगत सिंह अमर। मैं हर्षित मिश्रा, बीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ। इंडियन एयरफोर्स ने 2021 में जुलाई में एक एग्जाम करवाया था एयरमैन के लिए, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। वो रिजल्ट क्यों नहीं आया है, मैं उस रिजल्ट को जारी किया जाए इसकी मैं मांग करता हूँ। और आगे जो वैकेंसी आ रही है उसमें एज की रिलैक्सेशन दी जाए। हम लोग ओवर एज हो गए एयरमैन के लिए, जबकि हमने एक वैकेंसी केवल एक बार देखी है हमने इंडियन एयरफोर्स एयरमैन की जो भर्ती आई हुई। जय हिंद, जय भारत। और उसका रिजल्ट आज जुलाई 2021 से अभी तक नहीं आया है। सो गाइस, तो हम लोग उपस्थित हुए थे शहीद भगत सिंह का शहीद दिवस मनाने के लिए, जो अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और अब हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। तो अगले साल 23 मार्च को हम पुनः यहीं मिलेंगे और उनकी जयंती मनाएंगे।